जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ, फ्रांस की तरफ जाएंगे हम लोग। कैलस आज है हमारी वापसी। तो हम लोग यहाँ बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पास कंट्रोल हो रहा है। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे, फेरी लेंगे। हमें मिली है 2 बजे की फेरी। जी तो फेरी का जो टाइम है ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं कैलस से डोवर तक पहुँचाने के। तो हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग वॉशरूम से हो लेते हैं उतनी देर तक। तो हम यहाँ पे अब टॉयलेट ब्रेक पे आए हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब वेट कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है और उसके बाद हम लोग फेरी में चले जाएँगे। तो फेरी अब हम लोग जाएँगे गाड़ियों की तरफ। तो फेरी का टाइम हो चुका है, अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है फेरी की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग भी फेरी के ऑलमोस्ट करीब जा चुके हैं, बस हम लोग भी अंदर अब दाखिल होने वाले हैं फेरी के। तो अब यहाँ पे हम गाड़ी जो है पार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर की तरफ। तो गाड़ी से उतर गए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो फेरी में हम लोग बैठ गए हैं और अभी कुछ देर तक चलेगी। तो ये यहाँ पे फेरी में फेरी के अंदर से बाहर का व्यू है। अभी कुछ देर तक हम लोग बाहर भी जाएंगे तो बाहर से भी दिखाऊंगी आपको। अभी फिलहाल हम लोग अंदर बैठे हुए हैं तो ये अंदर से बाहर का व्यू है। और ये जो सामने फेरी है ये जा रही है वापस फ्रांस की तरफ। हम लोग जा रहे हैं यूके की तरफ और ये जा रही है वापसी फ्रांस की तरफ। हमने यहाँ पे फ्राइज मंगवाई हैं और साथ में कॉफ़ी। हम लोगों ने बहुत हैवी नाश्ता किया था इस वजह से अभी हमें भूख नहीं थी। और जहाँ से हम लोग आए थे वो भी तकरीबन सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पे था, तो हम लोग नाश्ता करके ही निकले थे तो इसलिए हमें भूख नहीं थी। तो यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप से मैंने लिया था परफ्यूम, ये मैंने लिया था लास्ट ईयर, ये मिस डियोर वाला जो है। तो इस दफ़ा मुझे एक दूसरा परफ्यूम अच्छा लगा था तो मैंने वो वाला लिया। खुशबू है ना, बट मैंने ये वाला लिया, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी है, ये लिया मैंने। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, ये मैंने कुछ नहीं किया है राधा की। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ एमरजेंसी बोर्ड। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ेदार सा व्यू भी है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। तो आपको वीडियो से अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ही तेज़ हवा है यहाँ पे और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है ये, और हमने तो बहुत एंजॉय किया, इवन कर रही हूँ मैं। और या अब थोड़ी देर तक हम यहाँ पे बाहर ही रहेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वापसी की तरफ अपनी गाड़ियों में। लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ऊपर आए हैं, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे।
आ गई है शिप, मुझे तो आ गई अभी। अब हम लोग सबसे ऊपर जा रहे हैं, सबसे टॉप पे जा रहे हैं। मैंने सोचा सबसे ऊपर भी जाना चाहिए और सबसे ऊपर से भी व्यू को एंजॉय करना चाहिए। तो हम लोग सबसे टॉप पे आ चुके हैं, अब यहाँ से एंजॉय करेंगे। तो अब देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैंने सोचा क्यों ना हम लोग ऊपर जाएं और ऊपर से व्यू को अच्छे से एंजॉय करें और देखें। और ऊपर तो इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा। अगर आप बहुत गौर से पानी को देखें तो मुझे तो वैसे ही खौफ आना शुरू हो जाता है। तो ये देखें कितना गहरा पानी है, समंदर है ये। तो या अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, हम लोग अब जाएंगे वापसी की तरफ। और तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ दोबारा से, टॉयलेट जाएंगे, उसके बाद गाड़ी की तरफ जाएंगे क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं। का डॉवर, यानी कि हम लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब हम लोग अपनी गाड़ियों की तरफ आ गए हैं, अपनी गाड़ियों पर बैठेंगे और उसके बाद ये देखिए हम लोग चल पड़े हैं। अब हम लोग निकलेंगे बाहर की तरफ। तो यूके डॉवर हम लोग पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है हमारे अपने घर तक। तो इंशाल्लाह अब हम लोग अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। फेरी से हम लोग बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं फेरी से बाहर का व्यू किस तरह से दिखता है। ये सामने आगे पहाड़ बने हुए हैं और निकलते ही यहाँ पे इस तरह से ये व्यू है। तो अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे। पहुँचते ही हम लोगों को भूख लग गई थी तो हम लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी करवा ली। ओके, अल्लाह हाफिज़।